हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है और पाइथन प्रोग्रामिंग में स्लाइस ऑपरेटर की बात कर लेते हैं। तो ये एक वेरिएबल है जिसमें मैंने स्टोर कराया स्ट्रिंग, जैसे अपना नाम ही स्टोर करा लेता हूँ, तो ये नाम स्टोर करा लिया हमने लाइक दिस, ये देखिए ये नाम स्टोर कराया हमने, स्पेस के साथ स्टोर कराया मैंने, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एंटर करता हूँ, नीचे आता हूँ, अब यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे इसको, ये लिखा मैंने प्रिंट, और फिर यहाँ पर किसको प्रिंट करवा रहे हैं, तो ए को प्रिंट करवा रहे हैं, और यहाँ पर क्या दे देंगे, जैसे स्लाइस ऑपरेटर का यूज करेंगे तो 2:5 लिखता हूँ मैं, कल लगाने से क्या होगा, इसको पहले सेव करता हूँ, देखिए क्या आता है आंसर हमारा। तो जैसे इसको चलाएंगे तो यहाँ पर देखिए आर ए जे प्रिंट हो रहा है। अब आर ए जे क्यों प्रिंट हो रहा है, देखिए कैसे प्रिंट हो रहा है, ये लास्ट नंबर क्या है, 5 है ना, तो यहाँ पर 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, मैंने पहले ही बताया था, सी लैंग्वेज में बता चुका हूँ, एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये स्पेस 5 हो गया, एक बार स्पेस है, दो बार स्पेस है, ठीक है, तो 5-6 हो गया, फिलहाल हमें 5 से ही मतलब है, तो ये जो स्पेस है ना 5 वाला, तो ये 5 हो जाएगा। तो अगर दो आगे का दो नंबर छोड़ देगा, ये 2 लिखा है ना, तो आगे का दो नंबर छोड़ेगा, तो 2 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया 0, ये हो गया 1, इसको छोड़ देगा, यानी 2 कुल मिला करके ये लीव करेगा और बाकी आर ए जे प्रिंट करेगा, और इसके साथ स्पेस है तो स्पेस तो आपको दिख नहीं करेगा, तो स्पेस क्या दिखेगा, अभी देखिए राज प्रिंट हो जा रहा है, ठीक है। इसी को अगर मैं 3 कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं 3 कर देता हूँ, तो 3 करने पे क्या होगा, आगे का 3 नंबर छोड़ देगा, तो खाली ए जे दिखाएगा। तो इसको एक बार यहाँ पे रन करवा लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। तो ये जैसे ही प्रिंट करवाऊंगा तो आगे देखिए ए जे दिखा रहा है, ठीक है ना।